फ्रेंड्स, शुभवास्तु में मैं रीता जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लिविंग रूम के लिए वास्तु टिप्स बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए, इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, लिविंग रूम को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि बैठक, हॉल रूम, ड्राइंग रूम, फैमिली रूम, टीवी रूम इत्यादि। ये घर का ऐसा रूम है जहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ आकर टाइम बिताते हैं। फैमिली के अलावा हम हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों और मेहमानों को भी यहाँ पर वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हमारा लिविंग रूम बहुत ही वेल डेकोरेटेड और सुंदर हो, क्योंकि ये रूम हमें एक बाहर के लोगों के सामने दर्शाता है। इसीलिए हर घर में लिविंग रूम का बहुत महत्व है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार लिविंग रूम के लिए किन दिशाओं को अच्छा माना जाता है, लिविंग रूम का इंटरनल अरेंजमेंट यानी कि फर्नीचर का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, और लिविंग रूम के लिए वास्तु टिप्स। सबसे पहले हम लिविंग रूम के लिए पॉजिटिव दिशाओं के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, लिविंग रूम के लिए नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के डायरेक्शन को अच्छा माना जाता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन को हल्के और खुले हुए होने चाहिए, ताकि जो अर्ली मॉर्निंग के सनरेज है वो हमारे घर में इजीली एंटर करे और हमारे घर के एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई कर सके। फ्रेंड्स, लिविंग रूम ये यूजुअली घर का सबसे बड़ा और खुलावा रूम होता है, जहाँ पर हम हमारे मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेहमानों के लिए नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन को अच्छा माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एयर एलिमेंट होता है जो हर चीज को मूवमेंट प्रदान करता है, जिससे मेहमान कुछ समय आपके साथ बिताकर फिर खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। इसीलिए लिविंग रूम के लिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन को अच्छा माना जाता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के डायरेक्शन को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लिविंग रूम के इंटरनल अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। लिविंग रूम के इंटरनल अरेंजमेंट या फर्नीचर प्लेसमेंट, ये लिविंग रूम किस दिशा में है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर लिविंग रूम आपके घर के नॉर्थ के डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आपको हल्के वजन के फर्नीचर्स यूज करने हैं। और अगर लिविंग रूम आपके घर के साउथ के डायरेक्शन में है, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ या साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आप थोड़े हैवी फर्नीचर्स यूज कर सकते हैं। नॉर्थ साइड के लिविंग रूम के विंडो पर आपको हल्के और पतले कर्टन्स यानी कि पर्दे लगाना है, ताकि जो सुबह की धूप है वो आपके घर में इजीली एंटर कर सके। और साउथ डायरेक्शन के लिविंग रूम के विंडो पर थिक कॉटन्स के कर्टन्स लगाने हैं, ताकि जो सूरज की रोशनी में स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड रेज होते हैं वो आपके घर में एंटर ना कर पाए। नॉर्थ डायरेक्शन के लिविंग रूम में आपको हल्के कलर यूज करने हैं, जैसे कि व्हाइट, क्रीम, लाइट ग्रीन, लाइट येलो इत्यादि। और साउथ के डायरेक्शन के लिविंग रूम में आप ब्राउन या रेड के शेड्स यूज कर सकते हैं, पर ये शेड्स आपको लाइट कलर्स में यूज करना है, आपको बहुत डार्क कलर्स अवॉइड करना है। लिविंग रूम में सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि हेड ऑफ द फैमिली जब लिविंग रूम में बैठे तो वो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में बैठे और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट को फेस करें। इससे उनके थॉट्स यानी कि विचारों में स्टेबिलिटी आती है और उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज भी मिलती है। आजकल टीवी हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया है, हम काफी समय टीवी देखकर बिताते हैं, इसीलिए लिविंग रूम में टीवी का प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आप टीवी देखें तो आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट को फेस करें। इससे आपको एंटरटेनमेंट के साथ पॉजिटिव एनर्जीज भी मिलेगी। डाइनिंग टेबल ये लिविंग रूम के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। फैमिली पिक्चर्स को आप लिविंग रूम के साउथ वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, काफी घरों में एंट्रेंस को लगकर ही लिविंग रूम होता है, और एंट्रेंस के पास घर के अंदर की ओर से शूराक होता है, तो ऐसे केस में आपको शूराक नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस पर अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, आपको बहुत बल्कि और इरेगुलर शेप के फर्नीचर्स अवॉइड करना है, क्योंकि ये एनर्जीज के फ्लो में बाधा लाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर का लिविंग रूम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो ही आप अपने लिविंग रूम में पूजा घर, वॉटर फाउंटेन या एक्वेरियम रख सकते हैं। लिविंग रूम में घर के लोगों के अलावा बाहर के लोग भी आते हैं, जो अपने साथ कुछ एनर्जीज कैरी करते हैं। ये एनर्जीज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है,
इसीलिए आपको लिविंग रूम में एक क्लियर ग्लास के बोल में यानी कि क्लियर कांच के कटोरे में सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक रखना है। सी सॉल्ट ये नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस नमक को आपको हर 15 डेज में चेंज करना है। ये नमक कभी भी आप डस्टबिन में नहीं फेंकोगे, इसे आपको पानी में डालना है। आप सिंक या वॉश बेसिन में ये नमक डाल सकते हैं। लिविंग रूम के सेंटर में आपको बहुत हैवी शैंडलियर यानी कि झूमर्स अवॉइड करना है। लिविंग रूम में आपको हैप्पी और प्लेजेंट पेंटिंग्स रखना है। आपको ऐसे पेंटिंग्स अवॉइड करना है जो सैडनेस या दुख को इंडिकेट करते हैं। लिविंग रूम में आप डार्क और डिम लाइट्स अवॉइड करेंगे। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, लिविंग रूम को आपको क्लीन और क्लटर फ्री रखना है। फ्रेंड्स, ये कुछ सिंपल वास्तु टिप्स है जो आपके लिविंग रूम की एनर्जीज को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई और क्वेश्चंस या क्वेरीज है या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।